टेक्नोलॉजी के, पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है, इसको अंग्रेजों ने खत्म किया। इससे भारत, भारतीय संस्कृति ने विश्व को यह दृष्टि दी कि किसी का भी नुकसान नहीं करना, सृष्टि का भी नुकसान नहीं करना, क्योंकि कुटुंब है ना, परिवार है। इससे विश्व का 2/3 जीडीपी प्रोड्यूस करने वाला समृद्ध देश, सारे विश्व में व्यापार करने वाला, अपने जहाजों को लेकर के दूर देश तक जाकर के व्यापार करने वाला, दुनिया में अपना साम्राज्य नहीं पैदा करता, दुनिया को अपने पैरों तले नहीं दबाता, गुलाम नहीं बनाता है, विश्व को समृद्धि बांटता है, विश्व को संस्कृति बांटता है। अभी तीन दिन पहले अयोध्या में था, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, वहां पर रामायण शोधपीठ जो बंद कर दी थी, अभी शुरू हो गई फिर से, नए कुलपति जो आए वो उन्होंने शुरू की। उस शोधपीठ के अंतर्गत उन्होंने इंडोनेशिया से रामायण, रामलीला के लिए एक ट्रूप मंगवाया था। मेरे जाने से एक दिन पहले उनकी रामलीला हुई थी, इसलिए उसकी बातें चल रही थी। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, 35 करोड़ मुसलमान उस देश में रहते, दुनिया के किसी देश में नहीं है इतने मुसलमान जितने इंडोनेशिया में रहते। 93% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है, 93%, लेकिन इंडोनेशिया की एयरवेज का नाम है गरुड़ एयरवेज। आज भी 93% मुसलमान जिस देश में रहते हैं, आज भी वहां पर रामायण राष्ट्रीय उसका KEIN रामकीन नाम है। रामलीला आज भी वहां खेली जाती है। अयोध्या में रामलीला करने के लिए आए थे, रामलीला के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए और वहां हो गए और साष्टांग दंडवत करके मिट्टी को भर भर के अपने पास ले गए कि यहां रामलीला जिए थे। उन्होंने तो इंडोनेशिया में अयोध्या बना दी है। और इस रामलीला को खेलने वाला जो हनुमान होता है वो बताता है, चरित्र नाम का हनुमान करता है इंडोनेशिया की रामलीला, वो हनुमान कोई कोई कासिम है, और वो मोहम्मद इकबाल हनुमान के वेश में ऐसा ऊपर से अवतीर्ण होता है। हजारों वर्षों से वो मंचीय वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर से वो नीचे अवतीर्ण होता है, और ऊपर से नीचे आकर के वो हनुमान राम कथा के प्रारंभ में 35 करोड़ मुसलमान जिस देश में रहते हैं, 93% आबादी मुसलमान है उस देश में, अभी चल रही, आज से शुरू हो गई रामलीला, कई स्थानों पर होगी, इंडोनेशिया में रामलीला चल रही होगी, और हर जगह वो हनुमान नीचे उतर करके दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम बोलता है और वहां से रामलीला प्रारंभ होती है। पूछा मैंने कि भाई तुम तो मुसलमान हो, हमारे यहां तो जय श्री राम बड़ा सांप्रदायिक नारा है, कोई जय श्री राम बोल दे तो भौवे टेढ़ी हो जाती है, कैसे सांप्रदायिक बातें करते हो, भावनाएं दुखी होती है संप्रदाय विशेष की ये बातें की जाती है, और तुम मोहम्मद इकबाल होकर के जय श्री राम बोलते हो। उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया जिसका संदर्भ कुलदीप जी बता रहे थे, उसका उत्तर यही था, हमने मजहब बदला है, अपने पूर्वज थोड़ी बदले है, पूर्वज हम बदल भी नहीं सकते, उन्हीं पूर्वजों का राम का खून हमारे रगों में बह रहा है। इसलिए 2013 में अमेरिका के राष्ट्रपति को सरस्वती की मूर्ति भेंट दी गई, 9 फुट की बड़ी सुंदर संगमरमर की मूर्ति है, सोने के आभूषण उसपे ऊपर मढ़े हुए, और वीणा पाणिनी, हंसवाहिनी, कमलासना सब है, कमल भी है, हंस भी है, हाथ में वीणा भी है, और नीचे दो बच्चे बैठे जिसमें से एक घुंघराले बाल वाला है, कहते कि ओबामा पढ़ाता इंडोनेशिया में, इसलिए ओबामा का चित्र है बचपन का, और उसमें लिखा है गॉडेस ऑफ लर्निंग। अमेरिका को सरस्वती की मूर्ति भेंट करने वाला देश 100 करोड़ हिंदुओं का भारत देश नहीं है, 35 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया ने 2013 में सरस्वती की मूर्ति अमेरिका को भेंट दी। वहां का वाइस चांसलर, यहां भी अभी तीसरे चले गए, 3 बैठे हैं, वहां का वाइस चांसलर जो शायद मजहब से मुसलमान हो लेकिन विद्या की देवी सरस्वती को मानता है, इसलिए रोज अपने ऑफिस में जाने से पहले जकार्ता यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी उसी मूर्ति की प्रतिकृति वहां पर, ऐसा बताते हैं, मैं तो जाता नहीं अपनी भारत भूमि को छोड़ करके, कहीं जाने की इच्छा नहीं मेरी, इसलिए मैंने पासपोर्ट ही नहीं बनवाया। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी था, तब रोज प्रसंग आता था, अभी भी आता है, लेकिन मैं टालता हूँ। इस बड़े सौभाग्य से भारत में जन्म मिलता है, पाप थोड़ी किए जो छोड़ करके चले जाए एक मिनट के लिए भी। लोग बताते हैं वहां भी वो मूर्ति है, और वो वाइस चांसलर उस मूर्ति पर पुष्प चढ़ा करके फिर बैठता है, भारत में करके दिखा दो,
चुनौती है। भारत में सरस्वती की मूर्ति विश्वविद्यालय में स्थापित कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। सारे विश्व को हमारा अवदान क्या है, हमने संपत्ति दी या आत्मीयता का भाव विश्व को हमने दिया या सारे विश्व को आपस में समेटने वाला। मैं यही चेतना कणकण में, निकोला टेस्ला के साथ में स्वामी विवेकानंद 7 दिन रहे। निकोला टेस्ला वो वैज्ञानिक है जिसकी प्रेरणा से आइंस्टाइन ने E=mc² का सूत्र दिया। उसका आधार निकोला टेस्ला के उस पेपर में है जिस पेपर को स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद निकोला टेस्ला ने लिखा। ये आइंस्टाइन उसका उद्धरण देता है, साइट करता है, निकोला टेस्ला को श्रेय देता है। तब तक फिजिक्स मानता था जड़ और चेतन आपस में नहीं, उनका कोई संबंध नहीं है। मैटर इज डिफरेंट, एनर्जी इज डिफरेंट, मैटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और इसने ईथर नाम के एक प्रकृति, काल्पनिक प्रकृति की व्यवस्था की थी कि जो जगत में है जिसके अंदर ये सारे व्याप होते। निकोला टेस्ला पहली बार कहता है कि सारा जगत चेतना से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, और जो जड़ है वह भी ऊर्जा का घनीभूत रूप है जिसके ऊपर काम करके आइंस्टाइन ने E=mc² का। और वो निकोला टेस्ला अपने साइंटिफिक पेपर में उपनिषदों के उद्धरण देता है और कहता है कि ये मुझे विवेकानंद ने बताया कि ये उपनिषदों में लिखा है कि चेतना एक है और सारे सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और उस चेतना को स्वयं को चेतना से जोड़ना अपना विस्तार और विकास प्रत्येक मनुष्य का है, यह इस संस्कृति ने बताया। यह संस्कृति की एकात्मता, आत्मीयता, यह इस संस्कृति की विश्व, भारत का विश्व को देना है। ये जो बाकी बातें गई, जॉर्ज इफ्रा नाम का फ्रेंच इतिहासकार लिखता है जिसने गणित का इतिहास लिखा, हिस्ट्री ऑफ साइंस लिखी, सारे विश्व के अंदर गणित कहाँ से गया, और वो कहता है कि आज जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उस मॉडर्न मैथमेटिक्स का 80% भारत ने दुनिया को दिया। केवल शून्य नहीं दिया, वो तो मनोज कुमार ने बता दिया सबको, 0 दिया भारत ने, दशमलव पद्धति दी ये भी बता दिया, कुछ लोगों को यहाँ तक तो पता ही है। और मज़ेदार बात है, दशमलव पद्धति नहीं होती तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये 2G और कोलगेट वाले जो सारे भ्रष्टाचार हुए थे और 76 लाख करोड़ वगैरह लिखा जा रहा था, यदि रोमन लूप में वो XYZL करके लिखते ना रोमन आंकड़े, उसमें यदि ये 75 लाख करोड़ लिखना होता तो अखबारों के फ्रंट पेज तो आंकड़ों में ही भर जाते हैं, न्यूज़ कहाँ पर देते। दशमलव पद्धति थी इसलिए 1.76 लाख करोड़ बोल दिया, इतनी बड़ी संख्या को जिसको रोमन में लिखने के लिए 2-4 पेज लग जाएंगे। ये गणना तो विश्व को भारत ने दी, केवल ये गणना नहीं, बीजगणित भारत ने दिया। भास्कर आचार्य बीजगणित के, लीलावती ये बीजगणित का प्रामाणिक पहला ग्रंथ है जिसको कम से कम 1000 वर्ष तो हो ही गए सारी दुनिया को। और यहाँ से पहले ग्रीक और बाद में अरब सीख करके गए और अरब लोगों ने यूरोप को सिखाया। आज भी यूरोप इस बात को मानता है, फ्रांस में पढ़ने वाले 8वीं के बच्चे को सिखाया जाता है कि जो गणित तुम सीख रहे हो और जिसकी माथापच्ची में तुम्हारा दिमाग खराब होता है A+B² और A-B² को याद करने में, वह भारत के ऋषियों ने दिया है। या 8वीं के फ्रांस के बच्चे को सिखाया जाता है। भारत में मैं इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को बता दो, हाँ ऐसा है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, कलन, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिमिति, ज्योमेट्री, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कहूंगा तो धोतीधारी प्रचारक तो ऐसा कहते ही आप बोलोगे। ये फ्रांस का इतिहासकार, फ्रेंच इतिहासकार जॉर्ज इफ्रा कह रहा है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में। ऐसे योगदान में बताता जो भारत का, तो मेरी लिस्ट ही पूरी नहीं होगी और यह भाषण का समय भी चला जाएगा, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो जिस बात का प्रकटन था वह मूलभूत विषय यह है कि भारत की एकात्म जीवन दृष्टि की जड़ में, चेतन में, सब में वही एकमात्र तत्व विद्यमान है, यह भारत के ऋषियों ने समझा और उसके सारे विश्व के सामने रखा। कैसे रखा? पुस्तकों के रूप में नहीं, क्षमा करें, वेद महत्वपूर्ण है, श्रुति महत्वपूर्ण है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण उस वेदों में छिपा हुआ तत्व है। और भारत की विशेषता ही है कि हमने तत्व को केवल ग्रंथों में नहीं रहने दिया, हमने तत्व को सिद्धांतों में और सिद्धांतों को व्यवहार में परिणत कर दिया। यदि कण कण में चेतना है तो सृष्टि को कष्ट देने का अधिकार नहीं। इस बात को हमने कर दिया कि रोज रोटी बनाओ तो एक गाय के लिए निकालो, एक कव्वे के लिए निकालो, रोज तुलसी के पौधे को पानी दो। हमारा वनवासी भी, जो सच्चा भारतीय मैं जिसको मानता हूं, सच्चा भारत का वनवासी भी
पेड़ की टहनी बिना प्रार्थना के नहीं तोड़ता। वो कहता है पेड़ अनुमति देगा तो तोड़ूंगा। और उनको आप पिछड़ा कहते हो, आदिम कहते हो, आदिवासी कहते हो, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं उनको आदिवासी कहना। वह हमसे ज्यादा प्रगत है, हमसे ज्यादा आगे बढ़े हुए, क्योंकि भारतीय संस्कृति को उन्होंने जीवंत रखा है। सौभाग्य से उनके ऊपर यह आक्रमण नहीं हुआ कि कंठ लंगोट लगाना प्रतिष्ठा का विषय बन जाए। ये उनमें अभी हुआ नहीं। वो लंगोट पहन करके जहां पहनना चाहिए वहीं पहन करके और सारे भूमि गोकाल की कह करके और घूमते जगत में। वो वनवासी, वो भारतीयता को आप जी जीवित रखे। वो गांव बूढ़ा मैंने देखा है, अरुणाचल प्रदेश में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, झारखंड में देखा है। वो गांव बूढ़ा जा रहा गांव जाता है, घर नई शादी हुई उसके लिए घर बनाना है, उसके लिए घर कौन बनाएगा? वो अकेला नहीं बनाएगा, सारा गांव मिलकर के उसके लिए घर बनाएगा। वो गांव बूढ़ा साथ में जाता है जंगल में बांस काटने, पेड़ काटने। वो वहां खड़े होकर के उस प्रकृति माँ की पूजा करता है, उसको माँ कहते हैं, वो उसकी पूजा करता है और पूजा करके उसका उसके साथ एकात्म होता है, तादात्म्य होता है, सिंथेसिस होता है। संश्लेषण की शिक्षण व्यवस्था इस देश की आदि शिक्षण व्यवस्था है। विश्लेषण नहीं, तोड़ना नहीं, खंड खंड करना नहीं। यहां कहा जाता है यदि पेड़ को जानना है तो पेड़ बन जाओ, पेड़ की चेतना के साथ तादाद में करो। और आज भी वो वनवासी गांव बूढ़ा करता है, जो वनवासियों के बीच में रहे उनको पता होगा, वो तादाद में पाता है और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हमारे नए दंपत्ति है उसके लिए घर बनाना है तो थोड़ा सा अपना अवदान दे दो, थोड़े से पेड़ की टहनियां तोड़ेंगे। किसी पेड़ को पूरा नहीं काटते, वो फिर से रिजुविनेट हो सके ऐसा ही काटते, फिर भी प्रार्थना करते। और फिर वो गांव बूढ़ा कहता है इस वाले पेड़ ने मना कर दिया, इसको